Assalamualaikum. Chapter 13. Welcome to Oxford Indian Grammar School. ये chapter 13 हमने start किया हुआ था. जो lecture number 4 इसका part 1 है. तो chapter lecture number 3 में मैंने आपको radius of curvature तक बता दिया था कि center of curvature क्या था, यानी center of spherical mirror का center of curvature. और pole मैंने आपको बताया था कि इसका center हो गया था geometric center of curved mirror. ठीक है, this curved mirror may be concave mirror or convex mirror. Then the center of concave mirror or convex mirror is called pole. ठीक है, जब कैपिटल P से डिनोट करते हैं. और जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब आज नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल एक्सेस. अब प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है कि पोल से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, यानी इससे भी आगे आप बियॉन्ड भी कर सकते हैं, इसको जितना भी एक्सटेंड करना चाहिए, यू कैन एक्सटेंड इट इन्फिनिटी. ठीक है, तो उसको आप इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ये लाइन जो ऐसी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विच पास या विच पासेस थ्रू अ पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो स्ट्रेट लाइन जो यानी कि मिरर के पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पास होती है, उस स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. अब इसको आप यहाँ से यू एक्सटेंड जितना चाहे कर सकते हो और उसको पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस असल में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन को कहते हैं. बट दिस स्ट्रेट लाइन मस्ट बी पास, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन को हर हाल में पास कहां से होना चाहिए, पोल से पास होना चाहिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए. अगर आप एक ऊपर वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर सपोज ये आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, तो आप कह सर ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, बट दिस स्ट्रेट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट्स व्हाई इट जस्ट ओनली अ एक्सिस और लाइन. इसे एक्सिस है तो लाइन कहेंगे, बट ये लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. एंड दिस लाइन can be extended everywhere, यानी कि आप उसको कहीं भी इसको extend कर सकते हैं, at any infinity तक आप extend कर सकते हो. You can extend this line here, ठीक है, beyond center of curvature, ठीक है, you can extend the line behind of the mirror, यानी mirror के पीछे भी आप इसको extend कर सकते हो और center of curvature के आगे भी इसको आप extend कर सकते हो. लेकिन इसके लिए शर्त है कि पोल और किससे पास होना चाहिए, center of curvature से पास होना चाहिए. ठीक है, तो ये straight line, इसको हम क्या कहते हैं, principal axis. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस. अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट जहां रिफ्लेक्शन के बाद तमाम रेस कन्वर्ज हो जाए, या वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट जहां से तमाम रेस डाइवर्ज होते हुए अपीयर हो, डाइवर्ज होते हुए नजर आए, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. अगर आप कॉन्केव मिरर की बात करते हो, तो देखो ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर का पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ किया और ये प्रिंसिपल का सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस स्फेरिकल मिरर का. अब देखो ये एक रे आई, ये रे आई इस कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर यहां से पास हुई. ठीक है, इसी तरह दूसरी रे आई, ये आई रे, ठीक है, ये से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट से पास हुई. अब इस पॉइंट पर ये दोनों रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रेस क्या हो रही है, यहां पर कन्वर्ज हो रही है. तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे. तो कॉन्केव मिरर में क्या होगा, कॉन्केव मिरर में प्रिंसिपल फोकस पे तमाम रेस क्या होगी, कन्वर्ज होगी, तमाम रेस जमा हो जाएगी. ठीक है, यहां पर तमाम रेस कन्वर्ज, तो जिस पॉइंट पे, यानी द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर होल रेस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट पार्ट में इसको मजीद डिस्कस करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.